friends. My name is Halia Samuel. My name is Elijah Samuel. Welcome back to the Lesson Wings. आज हम पढ़ेंगे छोटा टेडी बियर मामा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लिया लाइजा की मामा और आज की अगर इनकी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये रोज रोज ऐसे ही आपसे मिलते रहें। तो आज की स्टोरी टेलिंग कौन कर रहा है? लाइजा। क्या है आपकी स्टोरी का नाम? एक था पप्पू। ये पप्पू इंसान है या जानवर? जानवर है। ये कौन सा जानवर है पप्पू? तो क्या आप रेडी हैं अपनी स्टोरी के लिए? yes. तो शुरू करें अपनी स्टोरी। yes. चले शुरू करें। जिस तरह आप एक्साइटेड लग रहे हैं, लगता है स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आप जैसी है, आप जैसे जानवर जो डक है, जो शरारती डक है, वो आपकी तरह की है। रेडी हैं आप? yes. शुरू करें। मामा बतक, पापा बतक, बीबी बतक। मिलजुल के रहते थे। एक दिन माँ बतख को और पापा बतख को चला गया गांव से बाहर। और फिर पप्पू तो सोया हुआ था आराम से, तो अब्बा बतख ने बोला इसको सोया ले लेते हैं, हम इसके लिए मिठाई ले आएंगे। ये बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही अम्मा बतख निकलती है और पापा बतख निकलते हैं, जग जाता है। आप भी ऐसी करते हो, आपको बता के जाते हैं लिया लहजा हम आ रहे हैं, फिर भी आप तंग करते हैं। फिर क्या हुआ? जग जाते हैं। फिर उसने मुंह धो के ब्रश किया और? फिर हमने नाश्ता किया। फिर उसने नाश्ता करके ना खिड़की का से देखा था, मामा पापा का इंतजार कर रहा था। तो उसको ना एक तभी दिखा, वो अच्छा ऐसे उतरते ना उछलता है ना। कौन दिखा? रैबिट? यस, वैसे उसे उछलते ना, वो पप्पू को बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ना पप्पू ने बाहर गया और उससे बोला क्या तुम मुझे दोस्ती करोगे? और वो कभी बाहर अकेला नहीं गया था। तो वो बहुत खुश हुआ। खुला इस आसमान, घास, पेड़, जानवर बहुत सारे थे। तो ना पप्पू बहुत खुश हुआ। जैसे टाइम गुजरता गया, शाम हो गई, तो भला ना क्या हुआ पता? क्या हुआ? आ गए। पप्पू लेट आया, वो डर के मारे बोल रहा था मम्मा पप्पू मुझे मारेंगे। वो ऐसे ही डर डर के खटखटाता रहा। अम्मा के ऊपर ना तरस आ गया और अम्मा ने खोल। अच्छा, अम्मा को पप्पू पे तरस आ गया। मम्मा का दिल्ली तो होता है तरस वाला। अच्छा, नरम दिल होता है मामा का, है ना? yes. और जैसे ही वो अंदर आया और बोला उनके अब्बा इधर आओ पप्पू, कहाँ गए थे? छोटे बच्चे अकेले नहीं जाते। फिर उसकी मम्मा के ऊपर तरस आ गया, तो वो जल्दी से पप्पू को हग करके बोला छोटे बच्चे घर से अकेले नहीं जाते, मम्मा पापा के साथ जाते हैं। अगर आप जाते हैं अकेले तो ना जाए, अगर आपके पापा जाए वरना तो बता के जाए, और कोई आपकी किडनैप भी कर सकता है फ्रेंड्स। इसलिए हम अपनी मामा के साथ चलते हैं, आप बाहर अकेले ना जाए फ्रेंड्स। अगर आप अपना घर का रास्ता भूल गए तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात यही है कि छोटे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो अक्सर अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं और फिर कोई ना कोई उन्हें पकड़ लेता है। इसलिए बेहतर है कि आप अकेले बाहर ना जाएं, और अगर जाएं तो किसी को बता के जाएं कि मैं बाहर खेल रहा हूँ या मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ। अकेले बाहर जाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो आपका मैसेज तो लाइजा बहुत अच्छा था कि आपने बच्चों को मना किया कि वो बाहर अकेले ना जाएं। तो और कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से? yes! क्या कहेंगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।